और चैंपियंस ट्रॉफी में कल ओवल में भारत और पाकिस्तान के बीच खिताबी जंग होने वाली है। इसे लेकर लोगों में कितना जोश है, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता कविता सिंह ने। विराट और उनकी विराट सेना तैयार है, पाकिस्तान तैयार है एक बार फिर से मस्त होने के लिए। हालांकि कहा यही जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि इस बार पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर ही मानेगा, लेकिन हम जानते हैं कि जीत इस बार भी हमारी होनी है। इस बार भी इंडिया ही जीतेगा, डिफेंडिंग चैंपियन, और उसके लिए विराट ने भी पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन सबसे खास है देश की राजधानी दिल्ली की तैयारी। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ के एक टाउन हाउस कैफे में, और आप देख सकते हैं तैयारी किस तरीके से हो रही है। लोग अभी से जश्न मना रहे हैं। ये 4 जून का मुकाबला है जो इस वक्त आप देख सकते हैं। 4 जून का वो मुकाबला जब भारत ने एक तरफा मुकाबले के साथ पाकिस्तान को पस्त कर दिया था। ये मुकाबला देखा जा रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि संडे को भी इसी तरीके से, जब संडे का मैच होगा तो आपको लगता है एक तरफा मुकाबले में पाकिस्तान को पस्त कर देगी इंडिया? पस्त इस पस्त, अरे कंफर्म विन है यार, मैं बोल रहा हूँ वाकई वाकई कंफर्म विन है। तो इसलिए शायद आपसे सब्र नहीं हो रहा है और आपने जीत का जश्न अभी से मनाना शुरू किया, क्योंकि बाप तो बाप होता है यार। लगता आपका गाना भी बच गया। आपको लगता है वैसे पाकिस्तान को इतने हल्के में लिया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान हारेगा इंडिया जीतेगी। हाँ, उम्मीद विराट से आपको कितनी है? पिछली बार तो 96 पर रुक गए थे, आपको लगता है इस बार जब विजय रथ उनका जारी है तो इस बार शतक? 100 मारेंगे पक्का। सुनिए, राशिद लतीफ के लिए आप लोगों को कुछ कहना है? राशिद लतीफ ने तो बहुत आग उगला है। राशिद लतीफ जैसी जीते ऐसी इंडिया जीतेगा पक्का, इंडिया। आपको क्या लग रहा है, आप लोग उनको कुछ कहना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि हमारे जो बल्लेबाज और गेंदबाज है वो मैदान पर जवाब दे राशिद लतीफ को? जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही पता है इंडिया तो जीता है यार, ये पाकिस्तान। आपने हरी टी शर्ट पहनी गई, ऐसा तो नहीं आज आपका घर? नहीं नहीं नहीं, इंडिया से, यू इंडिया इंडिया। तो हरी टी शर्ट क्यों पहनी आपने? ये देखे सब कह रहे हैं आप पाकिस्तान को चेयर कर रहे हैं। हरी टी शर्ट इसलिए पहनी है ताकि दिखा पाए कि पाकिस्तान होकर भी इंडिया का साथ देते हैं। इंडिया 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 इंडिया। ये तो सिर्फ चीयर करेंगे या कुछ बताएंगे भी? धोनी मैजिकल कप्तान उन्हें कहा जाता था। आपको लगता है अब जिस तरीके से विराट भारतीय टीम को लेकर आगे चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उनसे ज्यादा चमत्कार तो विराट करने वाले? पहला आईसीसी टूर्नामेंट है, अगर जीतेंगे तो फिर विराट के लिए क्या है? विराट के लिए बहुत कुछ है, पर विराट के पीछे एमएस धोनी है, उनका कूल माइंड कभी पीछे नहीं रह सकता, हमेशा पीछे वो रहते हैं। तो विराट तो है यार, एमएस धोनी भी है, अब क्या करोगे पाकिस्तान? यानी कि आप ये चाह रहे हो कि धोनी जिस तरीके से वर्ल्ड क्लास फिनिशर कहा जाता है वो फिनिश कर दे गेम को और पाकिस्तान को खत्म कर दे? आराम से, मैं कह रहा हूँ धोनी की बारी ना है, अपने ओपनर ही खत्म कर देंगे यार, क्या जरूरत है। अच्छा, यानी कि आपको ये लग रहा है जिस तरीके से शिखर धवन और रोहित शर्मा बेहतरीन फॉर्म में है, शिखर धवन को किस तरीके से आप आंकते हैं? भैया वो तो ऐसे है कि हर बार क्लास में तो फेल हो जाते हैं, IIT में टॉप कर जाते हैं। हमारा गब्बर है यार, गब्बर। चलिए, गब्बर तो है। पहले रविवार का चमत्कार तो देख लीजिए, उसके बाद चलते मैच बेकार हो रहा है, वो तो फॉर्मेलिटी है। गब्बर तो है। पहले रविवार का चमत्कार तो देख लीजिए, उसके बाद चलते कल का मैच बेकार हो रहा है, वो तो फॉर्मेलिटी है। तो इंडिया का ही है, तो इंडिया का ही है भाई। गजब का माहौल बन गया है भैया, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में जितने शेर वहाँ मैदान में उससे ज्यादा गब्बर तो हमें यहाँ। यही बात, हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं और इंडिया जीता हुआ है। बैठे हुए अभी मस्ती कर रहे हैं, उन्होंने आने वाले वक्त के लिए क्या तैयारी कर ली है ये बताइए, भारत की जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? Yeah, of course we are very excited and I am sure that India is going to take this match because you know the team is awesomely playing very well and we are Indians. Hip hip hooray. आप तो खाने में बहुत ज्यादा व्यस्त लग रहे हैं। Actually I am very hungry. अच्छा, बहुत भूख लगी है? जितनी भूख आपको लगी है ना, पूरे देश को इतनी भूख लगी है चैंपियंस ट्रॉफी फिर से सर लेकर आओ, वो भूख बहुत बड़ी है। Everybody is excited, even I am excited. सानी टीम के साथ हो क्या रहा है? मतलब नौसिखिए हैं लेकिन कमाल करते करते फाइनल तक पहुंच गए हैं, अब फाइनल तक पहुंच गए तो वहां से दम दिखा रहे हैं भारत, तो आपको लगता है ये कोई मुकाबला दे भी पाएंगे? हर बार किस्मत साथ नहीं देगी। तो आपको लगता है फाइनल में किस्मत साथ नहीं देगी? डेफिनेटली चैंप और हमेशा चैंप रहेंगे। वी आर इंडियंस एंड इंडिया गोना टेक दिस बैटल।
बट दिस इज नॉट बैटल, इट्स अ फ्रेंडशिप मैच, जस्ट मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये हरा रंग भारतीय टीम को बहुत सूट कर रहा है, उसे थैंक्स फॉर वेयरिंग द ग्रीन टी-शर्ट, क्योंकि जब जब ऑपोनेंट हरे रंग की जर्सी में आते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है, हम तो कमाल कर रहे हैं। हम आपको एक बात बताएं, ग्राउंड भी हरा ही होता है। पाकिस्तान पर विराट जीत हासिल करने की विराट तैयारी किस तरीके से, विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में तरह अपनी सेना के साथ, ये तो वही जानते हैं, लेकिन पूरा देश बाहुबली के इंतजार में किस तरीके से परत सावले बिछा कर बैठा हुआ, ये हमने आपको दिखाया। दरअसल पूरा देश ये जानता है कि पाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले में फिर से पस्त कर देगी कोहली की सेना, और उसके बाद किस तरीके से जश्न मनेगा, इसकी एक तस्वीर अभी हमने आपको यहाँ पर दिखाई, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है और उस पिक्चर का इंतजार पूरे देश को बेसब्री से है। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ कविता सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहे इंडिया न्यूज।